आप गाड़ी खरीदे, यू हैव परचेज्ड ए व्हीकल, और जब आप गाड़ी रजिस्टर कराते हैं तो आप रोड टैक्स जमा करते हैं। जब आप ऑलरेडी रोड टैक्स जमा कर दिए हैं तब आपसे टोल टैक्स क्यों वसूला जाता है हर रोड पे, हमको ये समझा दीजिए। बिकॉज फैसिज्म ऑलवेज ऑपरेट ऑन द बेसिस ऑफ मास साइकोलॉजी, दे स्ट्रेटजाइज देयर प्रोग्राम टू कंट्रोल द साइकोलॉजी ऑफ मासेस। लाइक यू सी हाउ दे बिहेव, विच काइंड ऑफ policy they try to introduce in the parliament, they know कि तीन तलाक बिल से महिलाओं का कोई कल्याण नहीं होने जा रहा है, they know it। लेकिन हिंदू versus मुसलमान ये जो debate है इसमें वो पेट्रोल डालने का काम करते हैं। they know कि 370 रहे या चला जाए इससे कश्मीर का कुछ नहीं होने वाला है, आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली। और कश्मीर का जब कुछ नहीं होने वाला है तो 370 से बेंगलुरु और मंगलुरु का भी कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन इससे हिंदू वर्सेस मुस्लिम जो एक डिबेट है उसमें पेट्रोल का काम करता है ये। उनको पता है कि राम मंदिर बन जाने से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन जो उनका प्रोग्राम है, जो उनकी स्ट्रेटजी है, जो उनका कम्युनल पॉलिटिक्स है, उसको पेट्रोल मिलता है। आप सोच करके हमको बताइए कि अगर मंदिर बना देने से देश का समस्या समाप्त हो जाए तो मैं तो समझता हूं कि सारे अस्पताल की जगह पर राम मंदिर बना देना चाहिए, लोग बीमार ही नहीं होंगे। लोग अगर बीमार ही नहीं होंगे तो फिर अस्पताल का जरूरत ही नहीं होगा, लोगों को पढ़ने की ही जरूरत नहीं है। मतलब किसी भी मंदिर मस्जिद में जाकर के हाथ जोड़ेंगे खुदा या भगवान के सामने और सारा ज्ञान हमको आ जाएगा तो बताइए स्कूल और कॉलेज का क्या जरूरत है। अगर मान लीजिए कि हमारे पास पुष्पक विमान हो जिस पे बैठ करके हम उड़ जाएं तो हवाई जहाज का क्या जरूरत है। मन करेगा तो मंगल पे चले जाएंगे, मन करेगा चंद्रमा पे चले जाएंगे, मन करेगा बंगलोर घूम आएंगे, मन करेगा तो गोवा में छुट्टी मना करके आ जाएंगे। इस बात को समझिए कि वो अपने लाइफ में बहुत लॉजिकल हैं, बहुत लॉजिकल है, लेकिन सोसाइटी को उसकी जो साइकोलॉजी है उसमें उसको अनसाइंटिफिक बनाने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि अनसाइंटिफिक लोग नहीं बनेंगे, लोग भीड़ नहीं बनेंगे तो वो चरवाहा कैसे बनेंगे। अगर हम गधा नहीं बनेंगे तो वो हमारा चरवाहा कैसे बनेंगे। इसीलिए वो इंसान को इंसान नहीं बनाते हैं, वो भीड़ बनाते हैं। और मार्केट उनको कैसे मदद करता है इस बात को समझिए। मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। आप जब किसी मॉल में जाते हैं जींस खरीदने के लिए तो आपके लिए थोड़ी जींस बना है, 28 नंबर के कमर के आदमी के लिए जींस बना है, 30 नंबर के आदमी के लिए जींस बना है, 32 नंबर के कमर वाले व्यक्ति के लिए जींस बना है। उसमें आप और आपका चेहरा नहीं है, चॉइस है। जिस चॉइस में आप फिट हो सकते हैं उस चॉइस में आप फिट हो जाइए। तो इंडिविजुअल की जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी खत्म की जा रही है, और इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को जब खत्म किया जाएगा तो इंडिविजुअल अपने आप जो है वो मॉब का हिस्सा बन जाएगा, वो भीड़ का हिस्सा बन जाएगा, और यहीं से आइडिया ऑफ सिटीजनशिप डेंजर में चला जाता है। इसीलिए मेरा ये स्पेसिफिक सलाह है कि आज के डेट में जो लेफ्ट पार्टी है उसकी लड़ाई के एजेंडे में ये एजेंडा प्रमुखता से शामिल होना चाहिए कि हम इंडिविजुअलिटी को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। इस बात को समझिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले जो हमारा प्रोग्राम बनता था, जो हमारी स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स होती थी, तो हम इंडिविजुअल को कलेक्टिव बनाने का प्रयास करते थे। लेकिन आज जो हमारा स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स बनना चाहिए उसमें कलेक्टिव तो हम रहेंगे ही, वो तो हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का हिस्सा है। हम चाह करके भी जो कलेक्टिवनेस है सोसाइटी का उसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल के राइट के सवाल को हमको प्रेस करना पड़ेगा, उसको रेज करना पड़ेगा। और इस नए ज़माने में जिसको कहते हैं 21st सेंचुरी, जो मास स्ट्रगल होगा,
उसमें जो स्टेट वर्सेज इंडिविजुअल की लड़ाई होगी, जिसमें आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़े होंगे कि इंडिविजुअल अपने राइट्स को स्टेट के सामने सरेंडर करता है और स्टेट बदले में ये एश्योरेंस देता है कि हम इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। लाइक स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपके आपके लिए करेंसी पैदा करेगा, आपकी इकोनॉमी को देखेगा, वो आपके लिए सिक्योरिटी का व्यवस्था करेगा और वो आपकी जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, जो बेसिक ज़रूरतें हैं, उसको पूरा करने का काम करेगा। बदले में आप क्या करेंगे? बदले में आप जो प्रोडक्शन सिस्टम में हिस्सा लेते हैं, जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप टैक्स, आप सरकार को, आप स्टेट को हर चीज़ में टैक्स देते हैं। मतलब हमारा और स्टेट का क्या रिलेशन है? हम सरकार को टैक्स देंगे और सरकार हमको बदले में सर्विस और सिक्योरिटी देगी। अभी क्या हो रहा है? अभी हो ये रहा है कि हम तो टैक्स दे रहे हैं लेकिन स्टेट हमको बदले में सर्विस और सिक्योरिटी नहीं दे रही है। सर्विस और सिक्योरिटी दे रही है? मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपने मोबाइल से कोई चीज़ बुक किया, यू हैव बुक समथिंग ऑन मोबाइल, आपका पैसा अकाउंट से कट गया और उधर जिस जो सामान आपने बुक किया वो बोला कि हमारे पास पेमेंट नहीं आया है, आप कहाँ क्लेम करेंगे? आप मुझे बता दीजिए। आपने सर स्टेट ने कहा कि केस कैशलेस इकोनॉमी होगी, आप अपना अकाउंट बैंक में खुलवा लिए, ठीक है। अब बैंक कह रही है कि अगर आप मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन करके रखेंगे तो आपको फाइन देना पड़ेगा। तो हमको क्या ज़रूरी है बैंक में जाने का? हमको क्या ज़रूरी है कैशलेस इकोनॉमी को अपनाने का? अगर आप सर्विस देने के बदले में हमसे दोहरा चार्ज करेंगे, मतलब कि एक गलती का आपको दो बार सजा दिया जाएगा, आप हमको ऑलरेडी टैक्स हमसे ले रहे हैं, हर चीज़ में हम टैक्स दे रहे हैं, उसके बाद जो हमारा सेविंग्स है उसको जब हम बैंक में रख रहे हैं तो अलग से आप हमारे ऊपर सर्विस चार्ज कर रहे हैं। आप देखेंगे अभी पूरे के पूरे सिस्टम में जो सबसे बड़ा करप्शन है वो सर्विस चार्ज का करप्शन है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। आप गाड़ी खरीदे, यू हैव परचेज्ड ए व्हीकल, और जब आप गाड़ी रजिस्टर कराते हैं तो आप रोड टैक्स जमा करते हैं। जब आप ऑलरेडी रोड टैक्स जमा कर दिए हैं तब आपसे टोल टैक्स क्यों वसूला जाता है हर रोड पे? हमको ये समझा दीजिए। ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है उसमें अब जो नया सवाल इमर्ज होकर के आ रहा है वो है कि स्टेट वर्सेज इंडिविजुअल की इस लड़ाई में अब स्टेट इंडिविजुअल को कोई राइट नहीं दे रहा है बल्कि इंडिविजुअल अपना राइट स्टेट के सामने सरेंडर कर रहा है। इफ इंडिविजुअल इज सरेंडरिंग देयर राइट इन फ्रंट ऑफ स्टेट, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड द प्रॉपर फैसिलिटी, प्रॉपर सर्विस एंड प्रॉपर सिक्योरिटी। ये नए चीजों को हमको रेज करना पड़ेगा, नए सवालों को हमको रेज करना पड़ेगा। सुबह उठते ही पहला काम लोग करता है कि मोबाइल टटोलता है कि मोबाइल कहाँ है, और टाइम देखने से जो मोबाइल शुरू होता है या अलार्म आप लगा करके सोए होंगे तो अलार्म बंद करने से जो मोबाइल से आपका काम, आपका दिन का शुरू होता है, वो फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम होते हुए तब आप बाथरूम जाते हैं। तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि लोग मोबाइल के पास जाते हैं, लेकिन मोबाइल में जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, जो टेलीकॉम कंपनी है, देखिए वहाँ पर किस तरीके से मोनोपोली क्रिएट किया गया है। BSNL ख़त्म हो गया, एयरसेल ख़त्म हो गया, आइडिया ख़त्म हो गया, वोडाफोन और एयरटेल जो है वो सर्वाइव करने की स्थिति में नहीं है, तो बच कौन जाता है? जियो धन धना धन। और यहाँ से जो है आपको गेम बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि जियो धन धना धन आखिर सर्वाइव कैसे किया गया। जियो धन धना धन इसलिए सर्वाइव किया है क्योंकि मोदी जी सर्वाइव किए हैं। जियो का और मोदी जी का बड़ा गहरा संबंध है। अगर जियो नहीं होता तो मोदी जी नहीं होते, अगर मोदी जी नहीं होते तो आज जियो नहीं होता। ये जो नई चीज़ें हो रही है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इसको हमको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से एक ऐसा सेक्टर जहां मोनोपोली क्रिएट होने की संभावना नहीं थी, स्टेट के सहयोग से, स्टेट के कॉपरेशन से वहां पे मोनोपोली क्रिएट की गई है। ज़मीन BSNL का, टावर BSNL का, और सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी अंबानी जी का। अब अंबानी जी की जियो की कंपनी और अंबानी जी का 40% स्टेक होल्डर है इंडिया के मीडिया में।
तो जब 40% उनका स्टेक होल्डर होगा तो जो टोटल एयर टाइम है उसके 90% में मोदी मोदी यही भजन होने वाला है। तो किस तरीके से आपके पूरे के पूरे आइडियाज को, आपके पूरे के पूरे कॉन्शियसनेस को कैप्चर किया जा रहा है, ऐसे सिचुएशन में अल्टरनेटिव माध्यम क्या हो सकता है? अल्टरनेटिव माध्यम ये हो सकता है कि वो यंग लॉट जो IIT में पढ़ता है, जो डार्क वेव को समझता है, उससे मिला जाए, उससे बात किया जाए, उसको ऑर्गेनाइज किया जाए, और इस अल्टरनेटिव खड़ा करने के प्रोसेस में ऐसा जो अब हमारे सामने प्रोपेगेंडा का तंत्र खड़ा हो गया है, तो हम कम्युनिटी रेडियो कैसे शुरू कर सकते हैं, छोटे लेवल पे हम कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने वाली कंपनियों को कैसे डेवलप कर सकते हैं, और जो सर्विस हमको ठीक से नहीं मिल रहा है किसी भी क्षेत्र में उसको हम कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं। हम रिचार्ज कराए हैं 5G का और हमको स्पीड मिल रहा है 2G का, इसको हम कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं। इस तरह के नए चीज़ों को, नए डिमांड को ऑर्गेनाइज करके, लोगों को ऑर्गेनाइज करके, अल्टरनेटिव मीडियम को पकड़ करके हम एक नया पॉलिटिकल अल्टरनेटिव खड़ा कर सकते हैं। ये कुछ मोटा मोटी आइडिया मेरे दिमाग में है, मैं नहीं जानता हूँ कि ये कितना कॉन्क्रीट है, लेकिन अगर इस दिशा में बातचीत शुरू हो तो एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट इस संबंध में तैयार किया जा सकता है।